जी हाँ, राज कुंद्रा की गंदी बातें, और ये गंदी बातें धीरे धीरे करके खुल रही हैं, ओपन अप हो रही हैं। अब ऐसे में आपको बता दूं, एक एक्स मिस इंडिया का ये बड़ा खुलासा। जी हाँ, उनका नाम लिया गया था और फाइनली उन्होंने बोल दिया है कि हाँ, मुझे अप्रोच किया गया था। राज कुंद्रा जी की पूरी टीम ने अप्रोच किया था। क्या मामला है, कौन है ये एक्स मिस इंडिया, मैं बताता हूं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों सेलिना जेटली की। जी हाँ, सेलिना जेटली वो है जिन्होंने जानशीन फिल्म में काम किया, जिन्होंने हमने देखा था कि नो एंट्री में भी काम किया था, और मतलब उनका फिल्मी करियर थोड़ा सा वैसा ही रहा। अब सेलिना जेटली को क्यों देखा जाता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो उनकी खूबसूरती के लिए। शी इज वेरी ब्यूटीफुल और साथ ही साथ शी इज वेरी हॉट एंड बोल्ड। तो ऐसे में आप लोगों को बता दूं तो हॉट शॉट्स की पोल खोलते हुए एक मॉडल है जिनके बारे में मैंने कल भी बताया था, जिनको न्यूड ऑडिशन के लिए बोला गया था। उन्होंने ही बोला कि भैया यहाँ पर राज कुंद्रा ने जो है ये लोगों का नाम था, जिसमें से नेहा धूपिया ले लीजिए, सेलिना जेटली ले लीजिए, अर्शिया खान या फिर निक्की तांबोली ले लीजिए, ये इनके नाम सामने आए थे। अब आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर खुद उतरी हैं सेलिना जेटली और वो कहती हैं कि जी हाँ, मुझे अप्रोच किया गया था ऐप के लिए, बट वो राज कुंद्रा की हॉट शॉट्स के लिए नहीं किया गया था, बकायदा शिल्पा शेट्टी की ऐप जेल स्ट्रीम्स के लिए किया गया था। बता दूं आपको दोस्तों, हालांकि उन्होंने जेल स्ट्रीम को में जो है ज्वाइन भी किया था, अगर आपने देखा होगा तो प्रमोशन करते हुए वो नजर भी आई थी। ऐसे में आप लोगों को बता दूं तो ये जो मामला है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर भटकता हुआ नजर आया है, तो ऐसे में आप देखते हैं कि क्या होता है। वैसे राज कुंद्रा की जो बेल है दोस्तों वो सुनवाई होगी, और साथ ही साथ अगर मिलती है आज बेल तो वो आजाद होंगे, अदरवाइज 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल जाएगी उनको। आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताइएगा। चलता हूं।